पूर्वांचल में फैले चमकी बुखार के चलते शाहजहांपुर का स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर आ गया है। इसी के चलते आज स्वास्थ्य विभाग ने ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक खास जागरूकता कार्यक्रम किया। इस दौरान ग्राम स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। जिला अधिकारी का कहना है कि बच्चों से जुड़ी बीमारियों से उन्हें बचाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग को कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज यहां के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आशा वर्कर, ANM, NPRC सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ग्राम स्तर के सभी कर्मचारियों के साथ जिला अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित तमाम अधिकारियों ने एक खास जागरूकता कार्यक्रम किया, जिसमें सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए शपथ दिलाई गई। हम शपथ देते हैं संचारी रोग से लड़ाई में हमें हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे परिवार और समुदाय इन रोगों से मुक्त रहे। हमारे गांव तो हमारे आसपास के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित होगा तो उसके परिवार को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने हेतु प्रेरित करें। तो मुझे उम्मीद है और देश को रोग मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम शपथ लेते हैं कि व्यक्तिगत साफ सफाई और ध्यान रखें, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, अपने गांव और मोहल्ले के वातावरण को। आपको बता दें कि पूर्वांचल में चमकी बुखार से मासूमों की मौत होने के बाद यहां स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। जिला अधिकारी का कहना है कि ग्राम स्तर पर बच्चों में होने वाली बीमारियों को लेकर सभी को कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि मासूम बच्चों को बीमारी से बचाया जा सके। जिला अधिकारी ने गाँव में साफ सफाई को लेकर सभी को खास दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, संचारी रोग पखवाड़ा आज से शुरू हो गया। हम लोग विगत 1.5 महीने से प्रत्येक दिन 100-100 गाँव को चिन्हित करके अभियान को चला रहे थे, लेकिन अब इसकी व्यापकता और बढ़ गई है। तो इसके लिए हम लोगों ने सभी आशा, ANM, प्रधान, सबको न्याय पंचायत के एक एक प्रतिनिधि को बुलाया, उनके एसोसिएशन वालों को भी बुलाया है और उन सबको जागरूक भी किया है। और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्रीज का भी सहारा ले रहे हैं और उनके माध्यम से भी उनको एक एक गाँव साफ सफाई के लिए अलॉट कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनके माध्यम से हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं। ऐसे गांवों में कैंप्स लग रहे हैं जिन गांवों में पिछले सालों में केसेस रिपोर्ट हुए थे, और हम पूरी तरीके से हमने सबको प्रण दिलाया कि हम बच्चे को ना बीमार होने देंगे, ना डायरिया होने देंगे, ना बुखार आने देंगे। थैंक यू।